हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज़ लामिया नसीम और आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए दो मेथड्स को। फर्स्ट वन इज़ दी, मैंने लिख दिया है, जंपिंग मेथड, एंड सेकंड इज़ दी डेटम लाइन मेथड। आज के इस वीडियो सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को देखिए, जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जुड़ जाइए YouTube मैनोमीटर के साथ। मैंने लिखा है, एक कंसीडर करा है YouTube मैनोमीटर जिसका एरिया A1 A2 है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज मैंने लिए हैं जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड से फिल्ड है। ओके, ये मैंने इनिशियल कंडीशन दिखाई है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने इस तरीके से फ्लूइड को फिल कराया है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ओके, और ये जो फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है वो मैंने रो एम लेट करी, एम इज द मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इसकी डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए जिस फ्लूइड का आप प्रेशर मेजर करने वाले हो। ओके, ये मस्ट है, मैंने ये चीज ऑलरेडी यहां पे लिखी है, अंडरलाइन भी करा है। डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड मस्ट बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन केस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, इन केस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, सपोज करिए आपने एक ग्लास में वाटर ले लिया और ऑयल ले लिया, उसको शेक करा, मिक्स करा, थोड़ी देर रख दिया, क्या होता है? वाटर नीचे आ जाता है, ओके, ऑयल ऊपर चला जाता है। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। अब आप खुद सोच के देखो, अगर यहां पर कोई एक फ्लूइड है जिसका डेंसिटी रो एफ है, डेंसिटी रो एफ है और वो ज्यादा है, अब वो यहां से आएगा तो क्या होगा? ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसकी डेंसिटी अगर कम कर दी आपने तो ये ऊपर चला जाएगा और जो फ्लूइड है जिसका प्रेशर आपको मेजर करना था वो नीचे आ जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। ओके, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां रुकेगा ही नहीं, ये उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको प्रॉपर करेक्ट अरेंजमेंट बनाना है तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड आप ऐसा लो जिसकी डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा हो जिसका आपको प्रेशर मेजर करना है, वरना यही वाला हाल हो जाएगा, ऑयल ऊपर चला जाएगा यानी मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऊपर चला जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। इट मींस जिस फ्लूइड के प्रेशर आपको मेजर करना वो नीचे आ जाएगा। ओके, हो गया, ये बात हमारी हो गई। अब देखिएगा, आप थोड़ा सा समझने की यहां पर कोशिश करिएगा। मैंने क्या करा, एक इनिशियल कंडीशन ले ली, दिस इज आर इनिशियल कंडीशन, जब ये दोनों पॉइंट्स कहीं पर भी अटैच नहीं थे, कहीं पर भी मैंने ऐड नहीं करा था। ये एक नॉर्मल यूट्यूब है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसमें मैंने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को फिल करा है, तो इनिशियली लेवल जो इधर का लेवल होगा, ओके, वही आपका इधर का लेवल होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर से मैंने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को दिखाया है, ओके, इस ब्लैक कलर से मैंने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को दिखाया, इनिशियली लेवल सेम रहेगा। अब आपको किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है तो अपने यूट्यूब लेके गए और उस पॉइंट पे एक साइड से अटैच कर दी। ओके, तो होगा क्या, अब यहां पर जो प्रेशर होगा, सॉरी, यहां पर जो फ्लूइड होगा, सपोज कर लीजिए जो रेड पेन से मैंने बनाया है, ये यहां का फ्लूइड है, यहां पर आपको प्रेशर मेजर करना है, तो क्या होगा? जैसे ही आप अपनी यूट्यूब यहां पर लगाओगे, ये वाला जो फ्लूइड है जिस पे आपको प्रेशर मेजर करना है, ये इस पे प्रेशर लगाएगा और यहां से इसको इस तरीके से पुश करेगा, तो ये वाला जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था ये थोड़ा नीचे चला जाएगा और यहां से थोड़ा फ्लूइड हमारा राइज कर जाएगा। तो सपोज कर लीजिए, ये तो हमारी इनिशियल रेफरेंस लाइन हो गई। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने यहां पर इसको लगाया तो सपोज कर लीजिए यहां तक जो है ये आपका फ्लूइड आ गया, कौन वाला फ्लूइड जिसका आपको प्रेशर मेजर करना था, और ये थोड़ा नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, क्योंकि जहां पर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो उसका प्रेशर कुछ ज्यादा होगा ना। यहां पर अगर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, आपके पास सपोज करिए एक पाइप है, ओके, पाइप के अंदर वाटर भरा हुआ है, आपने अपने ऐसे मुंह पे लगाया और फूंक दिया थोड़ा सा, तो आपने क्या करा, प्रेशर बढ़ाया, तो होता क्या, जैसे ही आप फूंकते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, तो जो अदर एंड पाइप का होता है वहां से वाटर फ्लो करने लगता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है वाटर। सेम कंडीशन यहां पर भी होगी, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ही आप मैनोमीटर लगाओगे ये वाला फ्लूइड ऐसे इस पे पुश करेगा, प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की कोशिश करेगा, तो यहां तक आपका वही फ्लूइड आ जाएगा जो फ्लूइड आपको मेजर करना है, जिस फ्लूइड की आपको प्रेशर मेजर करना है। तो आपको जो सेकेंड रेफरेंस लाइन मिलेगी वो ये मिल जाएगी, ओके, ये आपको रेफरेंस लाइन सेकेंड मिल गई, और इसके बाद इसमें कौन सा फ्लूइड बचेगा, यहां पर बचेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये आपका हो गया मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब इधर क्या होगा, ये तो इनिशियल रेफरेंस लाइन थी, यहां तक तो फ्लूइड था ही ना, उसके बाद ये थोड़ा नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं तो शिफ्टिंग होगी ना, तो इधर राइज हो जाएगा, तो सपोज कर लीजिए यहां तक जो फ्लूइड है हमारा वो राइज कर गया, ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक
आपको डिफरेंस मिलेगा. सपोज कर लिए ये डिफरेंस हमारा एक्स है. ओके ये डिफरेंस हमने टोटल कितना मान लिया, दिस डिफरेंस इज एक्स. तो अब ये जो एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन. मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन बोलते हैं. अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो सपोज कर लीजिए ये ए नीचे आया एंड यहां से ये कितना ऊपर गया, रेफरेंस लाइन से ये ए नीचे आया और ये रेफरेंस लाइन से बी ऊपर चला गया. ओके मैंने क्या करा, रेफरेंस लाइन से ये ए नीचे आ गया और ये बी ऊपर चला गया. तो यहां पर आप ये लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एरिया यहां पर जितना है, एरिया इसका ए वन है, इसका एरिया आपने लिया है ए टू. ओके वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं होगा, जितना फ्लूड आप यहां पर भरोगे उतना ही फ्लूड यहां से शिफ्ट होके इधर शिफ्ट होगा. ओके आपके पास कोई ग्लास है. ओके ग्लास में सपोज करिए 300 ml वाटर भरा हुआ है. आपने 300 ml वाटर को हटा के कोई अनदर रेड कलर का फ्लूड भर दिया तो वो फ्लूड भी तो 300 ml तक ही भर पाएंगे ना आप, उससे ज्यादा तो भर नहीं पाएंगे. तो वॉल्यूम हमारा सेम होने वाला है. तो यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट वाले लिम के लिए ए वन इंटू ए ये इक्वल होगा ए टू इंटू बी. जितना ये यहां से शिफ्ट करेगा उतना ही यहां पर राइज करेगा और इनका वॉल्यूम सेम होने वाला है. एरिया अलग अलग है इसकी वजह से मे भी हो सकता है जो राइज और फॉल हुआ है वो चेंज हो जाए. ओके बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए लग रहा है. एक बार मैं मेथड लगाना सिखाऊंगी तो फिर सब खत्म, ये सब हटा दीजिएगा आप, सिर्फ मेथड को ध्यान रखिएगा. तो ये हो गया ए वन इंटू ए इज इक्वल टू ए टू इंटू बी. ओके तो आपके पास एक ये फॉर्मूला आ गया और आपके पास एक ये फॉर्मूला आ गया. अब दो मेथड है प्रेशर को मेजर करने का. फर्स्ट वन इज द जंपिंग मेथड. जंपिंग मेथड को समझिएगा, जंप थ्रो कंटिन्यूअस मास ऑफ सेम स्टैटिक फ्लूइड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके सिंपल मैं आपको मेथड बताती हूँ जंपिंग मेथड कैसे अप्लाई करेंगे. जहां पर प्रेशर मेजर कर रहे हैं सपोज कर लीजिए यहां पर प्रेशर आपको मिला पी ए. आई एम गोइंग टू अप्लाई जंपिंग मेथड. देखिएगा किस तरीके से अप्लाई करा. कंटिन्यूअस मास जहां तक मिलेगा वहां तक प्रेशर हम लोग पी ए ले लेंगे. तो आपने लिया यहां पर पी ए. ओके उसके बाद यहां से कहां तक सेम हमारा फ्लूड है, यहां से यहां तक जो फ्लूड है हमारा वो सेम है. देखिए यहां से ए से और यहां तक ये जो रेफरेंस लाइन है सेकंड फ्लूड सेम है. तो प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे, बिकॉज अगर आप नीचे इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू लेना, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे. ठीक है जंपिंग मेथड क्या कहता है, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस यहां से यहां तक का प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूड. क्योंकि यहां से यहां तक रेड वाला फ्लूड भरा उसकी डेंसिटी मैंने रो एफ ली है. जी इंटू एच कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स. ओके उसके बाद यहां पर आ गए और यहां पर देखिए जो प्रेशर यहां पर होगा वही प्रेशर यहां पर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस मास है ना. देखिए यहां से यहां तक पूरा कंटिन्यूअस मास है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, पास्कल लॉ में हमने ये बात डिस्कस करी थी, अगर कंटिन्यूअस मास है तो सेम एलिवेशन पर प्रेशर सेम होने वाला है. तो जो प्रेशर यहां होगा वो प्रेशर यहां होगा. तो यहां से यहां आप जंप कर जाओगे, इसीलिए इसका नाम है जंपिंग मेथड. ओके जो प्रेशर यहां होगा वो यहां होगा. तो आप यहां से चले, प्रेशर एट पॉइंट है, फिर आपको ये फ्लूड मिला, आपने यहां तक का प्रेशर लिख लिया. तो जो यहां का प्रेशर है वो यहां का प्रेशर है. तो अब प्रेशर चेंज नहीं हुआ, आप जंप करके यहां आ गए. यहां से फिर देखिए फ्लूड चेंज हो गया, तो अब फ्लूड चेंज हो गया और यहां से आपको अब यहां का प्रेशर देखना है. ओके तो अब यहां से आप क्या जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो. तो माइनस डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूड, क्योंकि यहां पर ब्लैक वाला फ्लूड भरा है, ब्लैक वाले फ्लूड के लिए डेंसिटी रो एम ली है. जी इन टू अब कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके तो अब यहां से अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं ए पर तो कितना मिला, आपको प्रेशर मिला एक्स कॉमन ले लीजिए, जी कॉमन ले ली, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, ये आपको प्रेशर मिल गया एट पॉइंट ए. मैं ये दोनों वैल्यूज को इधर ले गई तो ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई. ओके तो ये ओवरऑल मेथड हो गया जंपिंग मेथड. जब मैं क्वेश्चंस में अप्लाई कराऊंगी तो आपको आसानी से बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा. अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी हद तक कोशिश करी कि आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में इसको समझाया जा सके. ओके तो ए पर प्रेशर लिया, जंपिंग मेथड ध्यान रखिएगा. इसको क्यों बोल रहे हैं जंपिंग मेथड, क्योंकि यहां से यहां तक कंटिन्यूअस मास था, सेम स्टैटिक फ्लूइड था. पास्कल लॉ वाली वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान से देखिए जाके, यहां से यहां तक प्रेशर सेम होगा तो हम जंप कर गए. ओके सेम फ्लूइड भरा था, स्टैटिक फ्लूइड था, रेफरेंस
लाइन देखिए, रेफरेंस लाइन हमारी सेम थी, तो यहां पर प्रेशर सेम होगा, हम जंप कर गए, फिर यहां से यहां तक का प्रेशर ले लिया, प्रेशर एट पॉइंट ए हो गया। ओके, अब सेम सेम क्वेश्चन में, ये जो सेम एग्जांपल हमने लिया है, इसमें मैं आपको डेटम लाइन मेथड लगा के दिखाती हूं, उसे देखिएगा। अब मैं आपको डेटम लाइन मेथड को अप्लाई करके दिखाती हूं कि किस तरीके से डेटम लाइन मेथड से भी हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, तो डेटम लाइन के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगी, जहां पर पास्कल लॉ का जो थर्ड स्टेटमेंट था वो वैलिड होना चाहिए। तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखो, तो अगर आप ये रेफरेंस ले लो, ये रेफरेंस लाइन, ओके, तो आप देखोगे यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम होगा, और यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस मास मिल रहा है। ओके, तो डेटम लाइन मेथड क्या कहता है, आप एक रेफरेंस लाइन ले लो, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होने वाला है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, तो आप इतने पार्ट के प्रेशर को इधर वाले पार्ट के प्रेशर को इक्वल कर दो। फिर से बात समझिएगा, एक आपको रेफरेंस लाइन लेनी है जहां पर पास्कल लॉ का थर्ड स्टेटमेंट वैलिड होना चाहिए। ओके, तो आपने इस पूरे डायग्राम को देखा और आपने देखा कि अगर ये रेफरेंस लाइन लेंगे तो यहां पर और यहां पर देखिए सेम फ्लूइड है, सेम स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए आप सेम फ्लूइड से कंटिन्यूअसली इधर आ सकते हो, तो यहां पर प्रेशर सेम होगा और यहां पर प्रेशर सेम होगा, यही पास्कल लॉ कहता था। तो हम यहां पर प्रेशर निकाल लें और यहां पर प्रेशर निकाल लें, दोनों को इक्वल कर दें। तो उसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, अगर हमें यहां पर प्रेशर चाहिए तो सबसे पहले देखिए प्रेशर एट पॉइंट ए, ओके, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस, फिर आप प्लस करोगे, प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग नीचे जा रहे हैं, जब हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ओके, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, और ये फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है रो एफ, और ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी है रो एम, तो प्रेशर क्या होगा रो जी इंटू एच, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी, और एच क्या है हमारा एक्स है। ओके, तो अब यहां तक का आपने प्रेशर ले लिया, अब आपको किसके इक्वल कर देना है, इसे इक्वल कर देना है यहां पर, यहां पर देखिए अगर यहां पर आपको प्रेशर निकालना है तो यहां पर आपको मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अभी मैं आपको पूरी बात समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। फिर डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जी इंटू एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारी एक्स ही है। अब आप देखो यहां पर जब आप प्रेशर निकालोगे तो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये इधर ले गए, जी इंटू एक्स कॉमन हो गया प्लस पी एटमॉस्फेरिक। अब बोलोगे कि जो आपने जंपिंग मेथड पढ़ाया उसमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आया था। देखिए, जो हमने जंपिंग मेथड पढ़ा उसको मैंने इक्वल टू जीरो करा था। अगर आप इक्वल टू जीरो कर रहे हो, इसका मतलब जो आपको फाइनल ए पर प्रेशर मिलेगा वो गेज प्रेशर मिलेगा। ओके, आपने अगर इक्वल टू जीरो करा जंपिंग मेथड पे तो आपको गेज प्रेशर मिलेगा। मैंने आपको क्या दिखाया था, प्रेशर एट पॉइंट ए, जंपिंग मेथड वाला लिख रही हूं, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी इंटू एक्स, ये जो प्रेशर आपने निकाला था ये गेज प्रेशर था। अब अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, पी एब्सोल्यूट चाहिए, तो आप क्या करो, गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो। याद करिए प्रीवियस वीडियो इसी तरीके से था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन थी, ये जीरो प्रेशर लाइन थी। अगर कहीं यहां ए पर आपने प्रेशर निकाला तो यहां से यहां तक एब्सोल्यूट प्रेशर था, और अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से मेजर किया है तो आपको गेज प्रेशर मिलेगा। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर ऐड करना पड़े यहां से यहां तक, ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को ऐड कर दो तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो जंपिंग मेथड में इक्वल टू जीरो ना करके इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करिएगा। ओके, और अगर आपको गेज प्रेशर चाहिए एब्सोल्यूट में इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर आपको गेज प्रेशर चाहिए तो इक्वल टू जीरो कर दो। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम गेज प्रेशर निकालें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो। तो हमें आंसर मिलेगा डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी इंटू एक्स। ओके, अब इसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए ए पर, तो आप क्या करोगे, प्रेशर लोगे एटमॉस्फेरिक वाला, डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी इंटू एक्स प्लस पी एटमॉस्फेरिक रहेगा। ओके, तो देखिए दोनों आंसर सेम आए, यहां पर गेज प्रेशर निकाला आंसर सेम आया, और हमने जंपिंग मेथड से जब गेज प्रेशर निकाला था तो भी आंसर हमारा सेम आया था। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग दोनों ही मेथड से करेंगे, डेटम लाइन मेथड से भी करेंगे एंड जंपिंग मेथड से भी करेंगे, उसे देखिएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है। इस तरीके से एक जार दिया हुआ है और ये जो मैंने कलर्स बनाए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लैक कलर का एक फ्लूड है जिसकी डेंसिटी रो है और कितनी हाइट तक ये फिल है, 3H हाइट तक ये फिल है। ओके, सेकेंड फ्लूड मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा, इसकी डेंसिटी 2 रो है और 1.5 हाइट तक ये फिल है। थर्ड जो हमारा फ्लूड है उसकी डेंसिटी 3 रो है जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करा है, इसकी हाइट यहाँ से कितनी है, यहाँ से इसकी हाइट एच है और यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच। ओके, और ये हमारी फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब आप क्वेश्चन सुनिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है, थ्री इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटीज रो 2 रो एंड 3 रो आर केप्ट इन अ जार। द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द जार एट पीजोमीटर इज फिटेड टू द बॉटम ऑफ द जार आर शोन इन द फिगर। फाइंड कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। इट मीन्स हमें कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच फाइंड करना है। ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दिखाऊंगी। सबसे पहला मैं मेथड लगाऊंगी जंपिंग मेथड। ओके, अगर इसमें हम लोग जंपिंग मेथड लगाएं तो किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जंपिंग मेथड हमारा कौन सा मेथड है, एक सिरे से स्टार्ट करिए दूसरे सिरे तक पहुंच जाइए। अगर देसी लैंग्वेज में बोले तो एक सिरा पकड़ लीजिए, अगर आप नीचे जाते जा रहे हो तो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेशर लेते जाओ, ऊपर जाते जा रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव प्रेशर लेते जाओ। यही तो है जंपिंग मेथड। तो सपोज करिए हम लोगों ने ये सिरा पकड़ लिया। ओके, तो अब मैं करने क्या जा रही हूँ, जंपिंग मेथड अप्लाई करूंगी। यहाँ टॉप पर क्या होगी, एयर होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो टॉप पर पहले आप लिखोगे PATM, फिर प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि अभी हम यहाँ से नीचे चलेंगे, बॉटम तक नीचे ही चलते रहेंगे। जब हम बॉटम पर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम ऊपर जाना चालू करेंगे यहाँ से। ओके, ये इज जस्ट लाइक अ यू ट्यूब। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से फ्लूड हमारा फिल है। यहाँ से यहाँ तक एक फ्लूड भरा है तो प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो कितना है, डेंसिटी कितनी है, रो दे रहा है, जी हो गया, जी तो कांस्टेंट होगा, एच कितना है, 3H हाइट तक ये भरा हुआ है। फिर से प्लस करा, अब हम लोग यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक का प्रेशर हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2 रो, रो जी एच ही लगा रहे हैं, इंटू जी इंटू एच कितना होगा, 1.5H प्लस। फिर यहाँ से यहाँ पर ज़रा पहुँचिए तो कितना हो जाएगा, 3 रो इंटू जी इंटू एच। ओके, अब आप पहुंच गए बॉटम पर। अब बॉटम पर पहुंच गए तो अब आप यहां से बाहर निकलोगे, यहां से ऊपर जाओगे तो निगेटिव वैल्यू चालू होंगी, तो -3 रो। 3 रो क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर का ही फ्लूड यहां पर भी भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी भी 3 रो ही होने वाली है, इंटू जी इंटू कैपिटल एच, क्योंकि यहां से यहां तक की हाइट कितनी, कैपिटल एच है। फिर यहां पर भी एयर होगी तो एटमोस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, वो भी निगेटिव में, इज इक्वल टू 0। ओके, अब जरा इसको कैलकुलेट करिए। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल, रोजी 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 और ये रोजी, सारे रोजी कैंसिल हो गए, आपको यहाँ मिला 3H प्लस 1.5 इंटू 2 3H 3 इंटू एच, तो एक और 3H मिला, -3 इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको। अब कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच की वैल्यू आप निकाल लो, कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच करेंगे तो 9H और 3H इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। ये हमारा आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ जंपिंग मेथड। अब अगर डेटम लाइन मेथड लगाए तो डेटम लाइन मेथड कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, देखिएगा। डेटम लाइन मेथड क्या कहता है, कोई एक डेटम लाइन सिलेक्ट करो, यानी कोई एक रेफरेंस होना चाहिए जो पास्कल के थर्ड स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करे। तो हम क्या करेंगे, बॉटम पर ही ले लेते हैं, एक XX रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, तो इधर से हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा, इधर से हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा, यहां से यहां तक के प्रेशर को इक्वल करा देते हैं यहां से यहां तक के प्रेशर को। ओके, तो लिखिएगा जरा, यहां पर आप खड़े हो तो आपको मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले मैं हेडिंग डाल देती हूं, ये हम लोग करने जा रहे हैं डेटम लाइन मेथड से। ओके, तो आपको अगर मैं इधर का पूरा पार्ट देखूं तो आपको मिलेगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, ब्लैक वाले के लिए फिर से वही लिखेंगे, रो इंटू जी इंटू 3H प्लस 2 रो इंटू जी, ब्लू वाले के लिए लिख रहे हैं, इंटू 1.5H प्लस 3 रो इंटू जी इंटू एच। अब इसको इक्वल कराना है, यहाँ पर पहुँच गए ना, यहाँ पहले एटमॉस्फेयर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर, यहाँ बॉटम पर पहुँच गए, यहीं पर हमारी रेफरेंस लाइन थी, हम रेफरेंस लाइन्स पर पहुँच गए एक साइड से। ओके, अब दूसरे साइड से चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉप पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का सेम फ्लूड है जिसकी डेंसिटी है 3 रो इंटू जी और हाइट कितनी है, यहाँ से बॉटम तक की हाइट है कैपिटल एच। ओके, अब देखिए एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप रो इंटू जी कॉमन लोगे, रो इंटू जी और यहाँ से भी रो इंटू जी कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बचा 3H प्लस 3H
प्लस थ्री एच, सिंपल कैलकुलेशन, और यहां पे बचेगा थ्री इंटू कैपिटल एच, यहां से स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू निकालोगे आप तो आपको थ्री ही मिलेगी। तो चाहे आप डेटम लाइन मेथड लगाओ चाहे जंपिंग मेथड लगाओ, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, और इस वीडियो को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें और क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत करा के ही आपको छोड़ेंगे। परेशानी की कोई भी बात नहीं है इसमें, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, कोई पॉइंट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई लाइन नहीं समझ आई, तो कमेंट के जरिए से ज़रूर पूछिएगा, डाउट्स क्लियर रखिएगा, माइंड में डाउट्स नहीं होने चाहिए अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों की हेल्प करिएगा, जिनको इन वीडियोस की जरूरत है उनके साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।